एजीपी में कितने तो क्वेश्चन वैसे कराए थे भी मैंने दो तीन ही आपको? कराया था। दो तीन ही कराया था। ओके तो थोड़ा कर लेते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन सी, 1 + a + a, इसको ये क्वेश्चन कराया था क्या? ऐसा लग रहा है ये कराया था। नहीं सर, हेलो, अच्छा चलिए तो आंसर निकालिए। तो उस दिन एजीपी दोनों कराए थे ना, इनफिनाइट एजीपी भी कराया था ना, क्वेश्चन नहीं कराया था। हाँ सर, कराया हाँ किसी के घर पे बात हो रही है, प्लीज साइलेंट करो खुद को यार। ना। अरे बात समझ में आ रही क्या? एक बार में जहानवी, शायद आपके यहां से आवाज आ रही है यार। ये बदतमीज बच्चा है, मैंने अभी पासवर्ड चेंज किया है और तुरंत चेंज हो गया। ये अपना ही बच्चा है, कोई बदतमीजी जो कर रहा है। सुधांशु सर के लेक्चर तो बहुत। तो मुझे जहानवी पे गुस्सा आ रहा है कि उसके यहाँ उसने अपने को अनम्यूट कर रखा है, उसकी पूरी आवाज आ रही है उसके यहाँ से। हाँ हेलो, यस सर, करो सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो। आया क्या आंसर? हेलो, आंसर आया क्या? नहीं सर, करने आ मिनट रहा है कि सर, नहीं आ रहा? करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करने, ये कर रहे बताओ हैं पहले। सर, हाँ कर रहे हैं। करो, तब कोई दिक्कत नहीं है। करने आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर निकालो।
अरे अब किसी को आइडिया है क्या, गलती से जो भाई रिमूव कर दिया, अभी उसको मैं कैसे कहूँ, किसी को आइडिया है क्या? वो दूसरा डिवाइस से आ सकती है अभी सर, कल के मैथ्स क्लास में बहुत सारे आए थे। हाँ सर, कुछ और कर सकते हैं क्या जो भैया की हेल्प के लिए? दूसरे नाम से आने बोलो, तो दूसरे डिवाइस से आ सकती है, दूसरा अकाउंट से लोगे तो वापस से मीटिंग एंड करी करूं क्या मैं? मीटिंग एंड करके वापस से ज्वाइन कर सकती है ना वो? तो भी नहीं कर सकती क्या?
सर आप म्यूट हो। किसी को आइडिया है क्या दर्श भाभी का बच्चा है क्या? कौन? दर्श भाभी? नहीं सर, दर्श वो तो दर्श त्रिवेदी अलग है यार। ये तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, मैं क्लास पढ़ाऊंगा कि ही करते रहूंगा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने जो जीत अपने से जुबैया को मैंने गलती से रिमूव कर दिया और वो ज्वाइन नहीं हो पा रही, वो मुझे दिखा था रिमूव करने के वक्त, लेकिन तो ये लोग कैसे ज्वाइन कर पा रहे हैं तुरंत? वो लीव कर देते हैं ना सर, उनको रिमूव नहीं करते। सर वो लोग ईमेल आईडी चेंज करते होंगे या अलग अलग ईमेल आईडी से आ रहे होंगे बार बार। कल सुधांशु सर में भी सर ऐसा ही हो रहा था बार बार। सर 22 जन आ गए थे, 22 बच्चे। सर मुझे लगता है गैंग है। अभी मैं 4:15 पे पासवर्ड चेंज किया है, 4:15 पे तुम्हारे बैच के पहले पासवर्ड चेंज किया है। उसके बाद अगर 5 लोग एक्स्ट्रा आ रहे तो ऑब्वियसली तुम्हारे में उसके बेवकूफ बच्चा जो कर रहा है, नहीं पढ़ना मत पढ़ो यार, फालतू में रायता फैला रखा है। जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ने दो उनको यार। चलो यार 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही करते हो क्लास में बैठ के, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ यार आंसर आ गया पहले का। हेलो हेलो, फर्स्ट का आंसर आया क्या? हाँ सर। हाँ सर मुझे पता ही चला, किसी ने हाँ बोला किसी ने नो बोला, क्या बोला? यस सर। अरे बोलोगे क्या बोला, तेज बोलो, हाँ या ना? हाँ बोला सर, हाँ बोला। ठीक है बाकी तीनों करो, बाकी दोनों करो। अरे हिमांग हुआ क्या पहला? ठीक है क्या है पहले का आंसर बताओ, कैसे करते हैं फर्स्ट 1/4? अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर।
कैसे करते हैं, ऐसा लिखा है ना, फिर क्या करते हैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4s, क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। ये क्या हो गया 3/4s, कितना आ गया बताओ, 1/4 + 3 - 1, 2 आ जाएगा ना सब में से। यस सर। क्या लिखा है, 1/4 स्क्वायर, 1/4 क्यूब, अप टिल कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्या आएगा आंसर बताओ, 1/4 + 2, क्या होता है जीपी का सम, a/1 - r। अरे ये क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है तो सॉल्व करने पे, तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, s की वैल्यू कितनी आई, बिचुरकर कह रहा है कि मैं लॉबी में हूँ। हाँ कितना है एस का वैल्यू बोलो, 5/9। नीचे करो ना, कितना आंसर कितना है बताओ, 5/9। 5/9, सबका 5/9 आ रहा है क्या, वह चेक कर लो कैलकुलेशन, मुझे आंसर नहीं मालूम है, आंसर आप चेक कर लो, मैंने सॉल्व कर दिया है, यहाँ तक आप सिंपलीफाई कर दो कितना आता है देख लो, क्लियर है क्या। सेकंड का आंसर बताओ, सॉल्व करो सेकंड, हेलो सेकंड का कितना आंसर है, 3/4 ठीक है। थर्ड का कर रहा हूं, करो 1 + 3x / 1 - x² एक बार थर्ड का सबका आंसर है, फिर देखते हैं। एक बार थर्ड का आप सॉल्व करो ना। सर मेरा भी वही आया। देखो थर्ड कैसे करेंगे, s = 1 + 5x + 9x² क्या लिखा है 13x³ अप के लिए यहां तक, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा बोलो, x 5x क्या बन जाएगा बेटा 5x² 9x क्या बन जाएगा 9x³, यहां तक क्लियर है। अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - x (s) = 1 + 4x, 4x² 4x³, यहां तक क्लियर है, क्या आएगा बताओ, 1 + 4x + x² + x³ अप टिल इंफिनिटी है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर 1 + 4x / 1 - x, यहां तक क्लियर है ना। yes, sir. अभी इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 3x / 1 - x, दैट इंप्लाइज s का वैल्यू कितना आ गया 1 + 3x / 1 - x का होल स्क्वायर। ये क्लियर है, 1 + 3x / 1 - x कैसे लिखना आपने, हाँ सर समझा समझा सर। तो 3x - 1 होना चाहिए था ना, एलसीएम लेके देखो एक बार तुमको समझ में आएगा।
कॉपी कर लिया दो मिनट हर्षल नहीं आया क्या आज आया हूँ सर नहीं एक और बच्चा है ना उसकी आवाज भारी सी है क्या नाम है उसका भूल जाता नाम ही बार बार उसका यार दर्श वो दर्श बोलता है क्या वो यस सर हाँ ये किसकी आवाज है सर दर्श त्रिवेदी अच्छा तेरी आवाज है क्या मैं तेरा आवाज से तेरे को हर समझा इतने दिन से यार ये ना खलीफा की तो ना सच्ची में इसको ना कैसे करे समझ में नहीं आता रिमूव करता हूँ ये बार बार आ जाता है सर आप रूम लॉक कर दो ना सर एक बार सर सब आ जाए उसके बाद फिर वही है ना तुम लोग का नेट कनेक्शन आते रहता है जाते रहता है ना दिक्कत बात की है लॉक तो कर दूं मैं बट उससे कुछ होगा नहीं चलो छोड़ो सर या फिर से साइबर रिपोर्ट निकलवा सकते हो और कुछ हो नहीं सकते दिमाग खराब हो जाए करते रहो पढ़ाऊंगा मैं करूं अरे हेमंत तू एब्सेंट क्यों था रे अभी सर वो घर में थोड़ा काम चल रहा है तो नेट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है कहां अभी घर वहीं पे है कि बॉम्बे आ गया है नहीं सर वहीं पे हूं रब करें क्या इसको यस सर तेरे स्कूलिंग कहां पे अभी हेमंत यहीं पे है ना बॉम्बे ही ना हां सर डीएवी मुझे लगा कि छोड़ छाड़ चला गया तो बिल्कुल ही रब करें इसको यस सर ए, तेरे साथ क्षितिज का भाई भी था ना तेरे सेम बैच में था तेरे से बड़ा था छोटा था अभिषेक का भाई था अभिषेक कौन अभिषेक वो सिंघाने का भाई अच्छा वो कहाँ है अभी वो पता नहीं सर नहीं नहीं इसका एक क्षितिज था ना क्षितिज का भाई भी तेरे से था ना साथी में तेरे बड़ा था क्या वो शायद बड़ा होगा मेरे साथ सिर्फ अभिषेक का भाई था सर अच्छा इसको रब करे Yes, I think क्षितिज का भाई शायद वहां चला गया ना यूके चला गया शायद वो फैमिली शिफ्ट कर गया ना यूके वन और टू किसी को पूछना है क्या फरहान अपना बच्चा है क्या हाँ सर हाँ सर हाँ सर लॉर्ड सॉल्व करो आंसर बताओ इसका सर एक दो दम थोड़े और लिखो ना आगे सही तो है क्या लिखूं काम बन गया क्या जरूरत है तुमको एपी नहीं दिख रही क्या वन माइनस थ्री वन थ्री फाइव सेवन तेरे को एपी नहीं दिख रही क्या और तेरे को जीपी नहीं दिख रहा क्या वन बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव अच्छा बीच में माइनस का साइन है ना नहीं नहीं वो चलेगा वो गलत नहीं है पाप यहाँ हो गया था यहाँ पे आई हैड डन अ मिस्टेक हाँ बोलो तो माइनस साइन से क्या होता है कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा माइनस वन बाई फाइव ना कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई फाइव ना फिर क्या दिक्कत है ठीक है
इनके एपी का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही आता है। एपी का कॉमन डिफरेंस सेम ही आता है ना, क्या बोल रहे हो तुम, समझ नहीं आया। इसे सॉल्व करने का हो नहीं रहा इसलिए पूछा। अरे तो तुम मल्टीप्लाई किससे किए इस बार, कॉमन रेशियो क्या है जीपी का? -1/5। हाँ तो फिर तुमने s इज इक्वल टू 1/5 -3/5 स्क्वायर 5/5 क्यूब -7/5 पावर 4 लिया और -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ रहा है? -1/5 +3/5 -5/5 हाँ बोलो, क्या नहीं आ रहा है इसमें, जरा माइनस करो। हाँ, क्या आएगा बोलो, हो गया जरा, बाकी लोग आंसर करने का कष्ट करेंगे। सर, 1/9 सर, इनफिनिटी तक निकालना है। हाँ सर, आंसर 1/21 है। सर 1/9 आ रहा है।
कितना आया सर? 1/9 1/9 बाकी लोगों का सर? मेरा 1/21 आया। मुझे 4/9 आया। एक बार सब लोग आंसर मैच करा लेंगे आपस में। एक बार आपस में जरा आंसर मैच कर लिया जाए। हाँ भाई कितना आ रहा है बताओ? माइनस किए कितना आया? 6/5s। यहाँ पे कितना आया बोलो? 1/5 बोलो यार। -2/5 square। यहाँ कितना आया? 2/5 cube। यहाँ कितना आया? -2/5 power 4। यहाँ तक चपू चमकता है। 1/5 -2 बाहर ले लिया। क्या लिखा है? 1/5 square -1/5 cube प्लस 1/5 power 4। आई होप यहाँ तक भी चमकती है बातें। तो 1/5 -2 इंटू क्या लिखा है बोलो? 1/25 by 1 - 1 + 1/5। कितना लिखा है वैल्यू? कोई सिंप्लीफाई करेगा एंड तक? -2 1/5 तो ये आ जाएगा 6। कितना आ रहा है? 36 सर। 1/15 30 ना सर। 2/30 1/15। हाँ हाँ 1/15 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 5 या 3 2/15। तो 6/5s = 2/15। s = 2/15 × 5/6। 1/9 आ रहा है मेरा आंसर शायद। जस्ट चेक कैलकुलेशन। मेरा 1/9 आ रहा है। थोड़ा सा साइड होगी ना। सर थोड़ा साइड होना।
कॉपी कर लिया? यस कॉपी कर लिए सब लोग? अभी तो बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है ना, काफी कर लिया सेम टाइप का क्वेश्चन। आपको बेसिक फील आ गया ना क्या चल रहा है? हेलो। हाँ सर। हेलो। अरे yes, आपको बेसिक फील आ गया ना क्या चल रहा है? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अपन तो अभी थोड़ा सा फिर कुछ और निकाल का और कर पड़ते हैं। ऐसे सीरीज का सम निकालेंगे, मतलब तीन स्पेशल सीरीज का सम निकालेंगे, 1+2+3 अप टिल एन, दूसरा 1² + 2। ओके ठीक है, सुनो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर्स क्यूब्स, इसका फॉर्मूला ड्राइव करूंगा मैं अभी, ठीक है? अरे ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, अब ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, 1+2+3+up till n, इस चीज को एक सिंबल होता है समेशन सिंबल भी यूज किया है। कैसे लिखते हैं? समेशन r, r इज इक्वल्स टू 1 से r इज इक्वल्स टू n। इस समेशन का काम होता है बस ऐड, बस इसमें कुछ करता नहीं है, बस ये आपको बता, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका है। ये बात समझ में आती है क्या आपको, मैं क्या लिख रहा हूं? यस सर। यस सर। कि समेशन सिंबल कुछ नहीं है, वो बस शॉर्ट सिंबल है, वो बस शॉर्ट सिंबल है। हाँ, जो समेशन सिंबल है वो बस शॉर्ट सिंबल है आपका, ठीक है, समेशन सम को दिखाने के लिए। इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो आप इस पर फिलहाल ज्यादा कंसंट्रेट मत करो, आप इस चीज पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? तो मुझे इसका सम निकालना है। ऑब्वियसली एपी है, आप निकाल सकते हो, एपी का सम मालूम है ना? हेलो, इसका सम मालूम है ना क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 है ना, इनटू 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इनटू 1, जो आ गया आपका एन इनटू एन प्लस 1 बाय 2। ये एक तरीका है, ये क्लियर है? हेलो, क्लियर है? यस सर। एक जो होता है मेथड 2 से कर रहा हूं, व्हिच इज कॉल्ड नेचुरल मेथड, जो देखो ऐसा होता है वो अच्छा है थोड़ा सा। एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा? एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, बोलो, करो कॉपी पेन पे करके बताओ फटाफट, कितना होगा बोलो? 2n माइनस 1। ठीक है, अभी इसमें इस फॉर्मूले में n को 1 डालो तो क्या आएगा? 1² - 0² = 2 × 1 - 1। एन को 2 डालो, 2² - 1² = 2 × 2 - 1। एन को 3 डालो, 3² - 2² = 2 × 3 - 1। अरे यहां तक बात समझ में आ रही है? एन को एन डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो? n² - n - 1² = 2 × n - 1। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ सर। क्या हुआ? हाँ सर। ये कट गया, क्या आ गया? एन स्क्वायर बच गया इधर, सबको जोड़ा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 2 × 1+2 up till n, और ये माइनस वन कितनी बार है? हेलो, n टाइम्स n टाइम्स ना n टाइम्स ठीक है,
तो अगर इसको अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू टू इंटू वन प्लस टू अप टिल एन, तो क्या आ गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस टू अप टिल एन। ये बात क्लियर है क्या? थोड़ा सा साइड हुई है ना, देखेगा आपने माइनस एन क्यों लिखा? अरे इसको सब कुछ जोड़ोगे तो ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार ऐड होगा? एन टाइम्स। सर हाँ सर, आपने ऊपर वो सबमिशन वाला लिखा है ना सर, उसमें एन क्या है? सॉरी आर क्या है? आर बस एक अंदर का सिंबल है, आर की वैल्यू बाहर से आ रही है, आर इक्वल टू वन। इसका मतलब समझो ना, इसको बस इतना समझो कि जो भी अंदर है ना उसकी वैल्यू हो सक बाहर से आ सकती है ना। नहीं समझे? नहीं सर। क्या नहीं समझ रहा बताओ इसमें? सर बस इतना समझा कि सम ऑफ वन टू एन, देखो सुनो 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 कैसा है, इसका मतलब होता है ऐड करना। किसको ऐड करना है? अंदर जो लिखा है उसको ऐड करना है, ठीक है? कितनी बार ऐड करना है? जब आर की वैल्यू वन से लेके एन तक वैरी कर रही है उतनी बार ऐड करना है। वापस समझो क्या कह रहा हूं, इस समय से इस सिंबल का मतलब ऐड करना है, इसको ऐड करना है। कितनी बार ये एडिशन करनी है तुमको? N times. N times साइकिल चलानी है। पहली बार में साइकिल में R का वैल्यू कितना है? 1 है। 1. दूसरी बार में कितना है? 2 है। तीसरी बार में कितना है? 3, 3. 4 ऐसे करके। समझा क्या अभी? हाँ सर। फिर जो नेचुरल नंबर्स है वो एक ही लाइन में होने चाहिए। हाँ। जैसे 1 2 3 सब 1 3 5 नहीं चलेगा? नहीं। ओके सर। सर हो गया नोट? 2 मिनट।
कॉपी कर लिए? यस सर। सर वो अपने ऊपर r is equal to n और r is equal to 1 को लिखा है। क्यों क्या लिखा है? वो सिंबल है, वो बताता है कि इसको ऐड करना है जहां पे r की वैल्यू 1 से लेके n तक वैरी कर रही है। सिंबल है, इस चीज को ऐसे लिखने का सिंबल है। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। कॉपी कर ली ना सब लोग? यस सर। चलो तो ये पहला, इसमें सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, मुझे बताओ इसका क्या मतलब होगा? इसको ओपन करो, बताओ क्या लिखा हुआ है, बोलो क्या मतलब होगा इसका, बोलो। सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। कहां तक? n स्क्वायर। ठीक है, इसका सम निकालना है। दो कैसे निकालते हैं? n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? फटाफट निकाल के बताओ क्या होता है। चेक करो सही लिखा गलत लिखा, चेक करो फटाफट, चेक करो। यस सर सही है। सही लिखा है, डालो अब n का वैल्यू 1 वगैरह, तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब टू क्यूब माइनस 1 क्यूब ठीक है, ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा? 3 into n square minus 3 into n plus 1, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। क्लियर है, फिर काट देते हैं सीधा। क्या आएगा? n cube minus n minus 1 cube कैसे लिखा? वो ऐसा है, उसका स्टैंडर्ड प्रूफ है, वो ऐसा नहीं है कि मैंने सोच के लिखा है, वो मुझे मालूम है, वो उसका स्टैंडर्ड प्रूफ है, इसको नेचुरल प्रूफ कहते हैं इन तीनों थ्योरम्स का। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या पढ़ोगे, इसको करते हैं ऐसा है, इसका ये प्रूफ है, स्टैंडर्ड प्रूफ है, मतलब लर्न करना पड़ेगा। हाँ समझ, ऑब्वियसली प्रूफ है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको लर्न क्या करना है। ऐड किया क्या आएगा बताओ, 3 इनटू इन सबको ऐड किया क्या आएगा बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n square minus 3 into 1 plus 2 up till n है ना, और यहाँ पे 1 कितनी बार ऐड होगा, n बार, ये बात चमकती है। चलो तो फिर क्या हो जाएगा, n cube minus n, इसको उधर मूव किए और इसका तो आंसर मालूम ही है ना हमको, कितना है, n into n plus 1 by 2, ये किसकी वैल्यू आ गई बोलो, 3 into 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है? यस सर। सिंपलीफाई करते हैं इसको, सिंपलीफाई करते हैं तो क्या बाहर आ जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, n की बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, n n माइनस 1 n प्लस 1 लिखा है ना, ये है ना, और ये क्या लिखा है, 3 by 2 into n into n plus, अरे बोलो हाँ या ना, तो क्या क्या बाहर आ गया, n into n plus 1 बाहर आ गया ना, क्या लिखा है बोलो, n माइनस 1 प्लस 3 बाई 2, क्लियर है क्या? यस
तो थ्री इंटू क्वेश्चन, इसको बार बार कौन लिखेगा, क्वेश्चन ही लिख देना उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू एन प्लस वन, तो क्या आ गया बताओ फाइनली आंसर क्या आ गया, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। अरे हेलो, भी कर सकते थे ना। हाँ वही किया है मैंने, वही तो किया है मैंने, सिक्स इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टिल एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लियर है आपको, इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं होना, आप बस प्रूफ समझ लो ऐसा हो रहा है, आप ये समझो क्या हो रहा है, कट रहा है बस, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपके लिए काम का। पहला फिलहाल तो ये फॉर्मूला है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक का सम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, n into n plus 1 n into plus 1 2n into minus 2n plus 1 upon 6. कॉपी करिए, हो गया सर। सर एक मिनट, कॉपी कर लिए। सर ये वन से स्टार्ट होना भी जरूरी है। हाँ हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब बताओ क्यूब वाला कैसे करेंगे, क्यूब वाला खुद से सॉल्व करोगे? चलो ट्राई, सेम सब कुछ सेम मेथड रहेगा, था सोचे करो बताओ। हेलो, बताओ
समेशन आर, आर इज इक्वल टू वन से आर इज इक्वल टू एन आर क्यूब, क्या होगा इसका एक्सपेंशन बताओ, वन क्यूब टू क्यूब, अभी तक तो समझ में आ गया होगा ना ये चीज तो, यस सर, ठीक है, इसका 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 आंसर आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेंगे बताओ इस केस में, क्या करेंगे हाँ, n रेस्ट टू फोर माइनस n माइनस वन की पावर फोर, बताओ कितना आएगा, चलो सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो, अभी सब लोग सॉल्व करो, आई एम गिविंग यू सफिशियंट टाइम ऑफ 5 to 7 minutes, सॉल्व इट। एक बार पास्कल ट्रायंगल वाला फिर से बताना, जरूरत नहीं है तो उसका एक्सपेंशन करना सीधा, क्या दिक्कत है, ठीक है सर। Thank you.
आपने वो n into n plus 1 by 2 the whole square क्यों लिखा है? वो उसका आंसर आएगा. आया क्या? सर वो एन अंदर आएगा या बाहर आएगा ब्रैकेट में? अंदर है. सॉल्व करने के बाद बाहर आ रहा. तो एन स्क्वायर आ रहा होगा. भाई कितना है यहाँ पे? वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ? यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो? 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1. 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1. हाँ ठीक है. अब डालो 1 पावर 4 माइनस 0 पावर 4. 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1. डालो 2. 2 पावर 4 माइनस 1 पावर 4. 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1. 3 पावर ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? n पावर 4 माइनस n माइनस 1 का पावर 4. अरे हाँ या ना, क्या आएगा बोलो? 4 इंटू n क्यूब माइनस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1. बोलो हो गया? तो अभी क्या होगा, ये कट जाएगा ना सारा, है ना? तो क्या आ गया बताओ? n पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब से लेके n क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू बोलो क्या, 1 से लेके n और ये माइनस n. यहां तक क्लियर है? तो अभी क्या हो जाएगा? n पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू जो भी क्वेश्चन कह रखा है, इसको q मान लेते हैं. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन, हेलो, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, है ना, और प्लस 4 इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस n. आप सिंप्लीफाई करिए, आपको आंसर आएगा. नहीं आ रहा है क्या आंसर? हेलो, अरे क्या सब लोग सो रहे हैं बच्चों? यार सब लोग सो रहे हो लग रहा है मुझे तो. बट इसको सिंप्लीफाई करिए ना, आपका आंसर आना चाहिए. इसको इक्वल टू 4q लिखा है ना, सिंप्लीफाई करिए, मेरे को लगता है कि आंसर आएगा. आया क्या आंसर? देखो रोमन जी,
एक बार कर लो जो लिखा है बोर्ड पे वो कर लो, आ जाएगा आंसर। आया क्या? यस सर। हाँ सर। अरे सबका आ गया? बोलो हो गया क्या? नहीं सर, दो मिनट सर। मैंने सीक्वेंस सीरीज का एनसीईआरटी दिया था क्या करने को? नहीं सर। हाँ बोलो बोल क्या सर? 9.2 और 9.3। आवाज नहीं आ रही बेटा। 9.2 और 9.3। तो अभी चैप्टर 9 मैं बुक देख लेता ना, बुक है क्या मेरे पास? कॉपी कर लो बाकी लोग। अदरा होमवर्क लिखो एनसीईआरटी से 9.1, 9.2, 9.3। अरे सबको होमवर्क क्लियर है क्या? हाँ सर। 9.1, 9.2, 9.3 सर ये आगे सॉल्व कर लो। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, क्या बोल रहे हो सर? वो बोल रहा है इसके आगे सॉल्व करने के लिए। इसके आगे भी करवाओगे? क्या हो गया इसके आगे में? डालो ना, वेल नहीं होनी इसके आगे, सॉल्व नहीं हो रहा क्या? एन पावर फोर है, इसको ऐसे ही रखे रहो। और पहली बात तो सब में से सबको ओपन कर दो यार, दिमाग ही नहीं लगाने का। कितना हो रहा है एन पावर फोर है, कितना है? 2n² 2n³ + 3n² + n - 2n² - 2n + n। तो ये कट गया, फालतू में दिमाग नहीं लगाने का। एन स्क्वायर बाहर निकाल लिए, एन स्क्वायर प्लस 2n + 1 हो गया ना। और करूं क्या? अरे जिसने ये पूछा था और करें कि हो गया? हो गया
ठीक है, कॉपी करो, होमवर्क दिया है, नेक्स्ट क्लास में वो होमवर्क डिस्कस करूंगा मैं। 9.3 तक क्या होमवर्क दिया आपने? 9.1, 9.2, 9.3 एनसीईआरटी। ओके सर। और स्टेट बोर्ड की ट्रिग्नोमेट्री में क्या चल रहा है होमवर्क? चैप्टर 2 डिस्कस कर लिया था ना हम लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर, नहीं किया है क्या अभी तक? कुछ तो एक दिन तुम्हारे क्लास में एक दिन। अच्छा ठीक है, मैंने होमवर्क तो बहुत पहले दिया था ना एनसीईआरटी का, ट्रिग्नोमेट्री तो है ना सर, बहुत पहले था। हां सर, खत्म भाई खत्म। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन स्टेट बोर्ड का, और एनसीईआरटी का 9.1, 9.2, 9.3 होमवर्क ध्यान से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एनसीईआरटी चैप्टर 9 का 9.1, 9.2, 9.3, स्टेट बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2, चैप्टर 3 बहुत दिन से दिया हुआ है, डिस्कस करने का समय आ चुका है। कल करेंगे तो? होमवर्क पहले से दिया हुआ है नहीं तो? नहीं सर, पूछ रहा हूँ। हाँ कर लेंगे सर, मतलब कल आपका क्लास है या सुधांशु सर का, वो देख के बता दूंगा मैं। ठीक है, ओके चलो 2 मिनट। थैंक यू सर।